बढ़ते हैं हमारे सेकंड वर्ड की ओर एंड दैट इज अकॉर्ड। हमारा वर्ड है अकॉर्ड, इसका हिंदी का मतलब है करार, नामा, समझौता, और इसका इंग्लिश का मतलब है एग्रीमेंट। जानते हैं इसके सिनोनिम्स? इसके सिनोनिम्स है ट्रीटी, एग्रीमेंट, कंसेंसस एंड सेटलमेंट। इसके एंटोनिम्स जान लीजिए। इसके एंटोनिम्स है डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, डिनायल। ये तो आप सिंपली समझ गए होंगे अकॉर्ड, और जो ये डी आई है एक नेगेटिव सफिक्स है, प्रीफिक्स है, तो इसलिए डिस्कॉर्ड जो है अपोजिट ऑफ अकॉर्ड हो गया। इस पे सेंटेंस बना लीजिए। जैसे एक मैं सेंटेंस आपको देता हूं कि शिमला अकॉर्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शिमला अकॉर्ड, इंडिया एंड पाकिस्तान डिफाइन देयर एलओसी। मतलब शिमला समझौता या शिमला अकॉर्ड के अनुसार भारत पाकिस्तान ने अपनी एलओसी को डिफाइन किया। अब हम समझ लेते हैं इससे रिलेटेड नोट कि इस वर्ड को आपको याद कैसे करना है। बड़ा ही सिंपल बात है, आप समझते हैं अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइक अकॉर्डिंग टू आवर टीचर, अकॉर्डिंग टू द बुक, मतलब अकॉर्डिंग मतलब है अनुसार। और अकॉर्ड वो करारनामा या वो डॉक्यूमेंट हो गया जिसके अनुसार दो पार्टी या बहुत सारी पार्टीज जो है एक्ट करेंगी और वर्क करेंगी। तो अकॉर्डिंग से बन गया है हमारा वर्ड अकॉर्ड। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड वर्ड एंड दैट इज अक्यूमन। ये हमारा वर्ड है अक्यूमन, जिसका मतलब है बारीकनेस, बारीकी, शार्पनेस। इसके आप सिनोनिम समझ लें। इसके सिनोनिम्स है श्रुडनेस, सैगेसिटी। सैगेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम्स में प्रायः आता है ये। इंटेलेक्ट, शार्पनेस। अब हम समझेंगे इसके एंटोनिम्स। इसके एंटोनिम्स है इग्नोरेंस, स्टुपिडिटी एंड इनएप्टनेस। अब समझ लेते हैं इसका सेंटेंस। देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यंगस्टर्स टू प्रूव देयर बिजनेस अक्यूमन। नौजवानों के पास में काफी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे अवसर है जिससे वो अपनी व्यापार में अपनी कुशाग्रता को दिखा पाए या पढ़ाई में अपनी कुशाग्रता को दिखा पाए। अब समझ लेते हैं उसको याद करने का तरीका। अच्छा, आप इसमें सेंटेंस जरूर बनाए। अब यहां पे हम समझेंगे इसका जो प्रीफिक्स है वो है एक्यू, ठीक है, और एक्यू का मतलब होता है छोटा या बारीक, शार्प। इस एक्यू से और कौन से वर्ड्स होते हैं? आपने सुना होगा एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में एक्यूट एंगल मतलब छोटे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। आपने सुना होगा एक्वा प्रेशर, ऐसी शूज आती है, ऐसी चप्पल आती है जिसमें पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे, तो उसको हम बोलते हैं एक्वा प्रेशर। एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है एक्वा पंचर नाम से, तो वहां पे भी आपको पिंस जो है वो लगाई जाती है
बारीक बारीक पिंस लगाई जाती हैं। तो आपने समझा वर्ड अक्यूमन, अक्यूमन बना है एक्यू से, एक्यू का मतलब होता है छोटा बारीक, और इसका जो मतलब है, इसका जो सेंटेंस जो आपने समझा कि कुशाग्रता, कि नौजवान जो है अपने पढ़ाई में या अपने व्यापार में या कोई भी व्यापारी अपनी चीज में अपनी कुशाग्रता दिखा सकता है, अपनी अक्यूमन दिखा सकता है। मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ वर्ड एंड दैट इज एमिएबल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में अक्सर आता है। इसका हिंदी में मतलब है सौम्य और दोस्ताना, और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे गुड नेचर, इसका नेचर अच्छा हो। अब इसके सिनोनिम हम समझ लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं अशोर, माइल्ड, अफेबल, कॉर्डियल, और इसके एंटोनिम्स हैं अलॉफ, हेटफुल, हॉस्टाइल, रिपल्सिव। आपने ये वर्ड भी सुना होगा हॉस्टाइल, कि मैं उनके घर गया और उनका जो बिहेवियर था काफी हॉस्टाइल था, मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं था, या मैं इनके घर गया पर इनका जो बिहेवियर था, इन्होंने जो मेरे साथ रिएक्शन था बहुत ही अमेबल था, मतलब गुड नेचर था, दोस्ताना था, सौम्य था। इसमें सेंटेंस दे रखा है शी वॉज वेरी गुड लुकिंग लेडी विद अ विद एन अमेबल एंड वार्म पर्सनैलिटी। वो लड़की जो है, वो लेडी जो है, महिला बहुत सुंदर होने के साथ ही उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है बहुत ही अमेबल है, बहुत ही सौम्य है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे, सेंटेंस हमने बना ही लिया, अब हम डिस्कस करेंगे नोट। देखिए एमी का मतलब क्या होता है, एमी का मतलब होता है लव। यह एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यह बात आप समझ लीजिए, अगर एमी से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड आता है, एमी प्रीफिक्स से कोई भी वर्ड आता है और चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और दो ऑप्शन जो है वो हेटफुल वाले हैं, और अगर कोई एक दो ऑप्शन अगर पॉजिटिव वाले हैं, तो आप समझ लीजिए कि इसका आंसर उन्हीं में से ही होना है। अब एमी से रिलेटेड और वर्ड्स कौन से हैं? एमी से रिलेटेड एक वर्ड बनता है अमिटी। अमिटी का मतलब होता है भाईचारा, मतलब लोगों में आपस में प्रेम है, भाईचारा है, तो उसको हम बोलेंगे अमिटी। एक और वर्ड बनता है अमिकेबल, एमिएबल और अमिकेबल, और यहां पे अगेन आप देख रहे हैं एमी, एमी मतलब लव, जहां फ्रेंडली बिहेवियर है वहां पे आपस में प्यार है, तो एमिकेबल का मतलब है फ्रेंडली। तो हमने ये वर्ड समझा एमिएबल, उसकी प्रीफिक्स का क्या मतलब है, उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और उसका वाक्य में प्रयोग। बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड की ओर, और हमारा फिफ्थ वर्ड है एनोनिमस। इसका हिंदी का मतलब है गुमनाम, और इंग्लिश में इसका मतलब है अननोन। इसके सिनोनिम्स आप समझ लीजिए अननेम्ड, अनआइडेंटिफाइड, जो पहचाना नहीं जा सके, आइडेंटिफाइड हो गया, जो पहचाना जा सके, अनडिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज होता है छिपाना, अनडिस्क्लोज हो गया उसको उजागर करना। एंटोनिम्स इसका हो गया है नोन और अन और आइडेंटिफाइड। इसका आप सेंटेंस बना ले, मैं आपको एक सेंटेंस यूजर इस बुक से देता हूं। आई सैंग फ्यू लाइन्स फ्रॉम सम अनोनिमस सॉन्ग। मैंने कुछ पंक्तियां गाई एक गुमनाम गाने की,
मतलब उस गाने को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि किसने गाया, कौन सी मूवी का था, पर उस गाने को मैंने, उस गुमनाम गाने को मैंने गाया। तो ये हो गया इसका सेंटेंस यूसेज। अब हम समझते हैं इसको याद करने का तरीका, मतलब नोट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, निम। यहां पे आप गौर करें, ये हो गया हमारा निम। निम का मतलब होता है नाम, ठीक है। और जो ये एन है वो एक अपोजिट प्रीफिक्स है, मतलब एन का मतलब है नहीं या उल्टा। तो जिसका नाम नहीं है, जो गुमनाम है, तो वो हो गया एनोनिमस। इस निम से आप और भी वर्ड्स जानते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो है होमोनिम्स, पैरोनिम्स, बढ़ते हैं हमारे सिक्स वर्ड की ओर, एंड दैट इज एफ्लुएंट। यह बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली को बिलोंग करते हैं। एफ्लुएंट का हिंदी में मतलब है धनी, इंग्लिश में हम कहेंगे प्रॉस्पेरस या फ्लोरिशिंग। इसके सिनोनिम्स समझ लीजिए, इसके सिनोनिम्स है ओपुलेंट, वेल्दी, इलिमिटेबल। इसके पैरोनिम्स है डिस्टिट्यूट, पेनीलेस। पेनी कहते हैं पैसों को, और इसके पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी बेचारा, वो हो गया पेनीलेस। और इम्पोवेरिस्ट, हम इसका सेंटेंस यूज़ जो इस बुक में दे रखा है वो समझ लेते हैं। इसमें दिया है इन एफ्लुएंट एरियाज लैंड इज जनरली मोर एक्सपेंसिव। जो धनी एरियाज होते हैं, जो पॉश इलाके होते हैं, उनमें जो जमीन जो है वो ज्यादा महंगी होती है। तो एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब धनी, प्रॉस्पेरस। नेक्स्ट हम अपना सेवंथ वर्ड देखते हैं, एंड दैट इज एप्रीहेंशन। दोस्तों ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप अखबार पढ़ते हो इंग्लिश का तो इसमें काफी यूज होता है, और एग्जाम में भी ये काफी आता है। इसका मतलब है हिंदी में भयभीत या शंका। गवर्नमेंट की इस नई पॉलिसी को लेकर दुकानदारों में काफी एप्रीहेंशन है, काफी डर है, काफी चिंता है। इसके इंग्लिश में इसका मतलब है फियरफुल। इसके सिनोनिम्स समझ लीजिए, स्केयर, फ्राइटेंड, एंशियस, सस्पिशियस। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन वर्ड है सस्पिशियस, या आपकी बहुत ही सस्पिशियस नेचर का है, मतलब शंका करने वाला है, एंड अप टाइट। इसके एंटोनिम समझ लीजिए इजी गोइंग, मतलब आसान है जो चीज, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना है, काम, शांत हो कोई चीज, और सर्टेन, जो निश्चित हो, जिसमें कोई शंका ना हो। अब इसका सेंटेंस यूजर जो दे रखा है बुक में, आई एम वेरी नर्वस एंड एप्रीहेंसिव पर्टिकुलरली एज द आवर्स आर टिकिंग अवे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और एग्जाम पास में आता जा रहा है, मैं बहुत ही एप्रीहेंसिव और नर्वस फील कर रहा हूं। बढ़ते हैं हमारे एट्थ वर्ड की ओर, और यह वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और यह वर्ड है अपना एसीजीएस, ए डबल एस आई डी यू ओ यू एस। एसीजीएस का मतलब है परिश्रमी,
मेहनत करने वाला, तत्पर। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनत करने वाला, उद्यमी। और यह वर्ड भी बहुत यूज होता है, डिलीजेंट। अब इसके सिनोनिम समझ लेते हैं। सिनोनिम्स है इसके डिलीजेंट, प्लॉडिंग, और मिटिकुलस। मिटिकुलस भी परिश्रमी के लिए यूज होता है, पर यह एक्चुअली उसके लिए यूज होता है जो कोई काम हम बहुत परिश्रम से और बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं, दैट इज मिटिकुलस। इसके एंटोनिम समझ लीजिए, विरोधी, विलोम शब्द। एक है लेजी, नेग्लिजेंट लापरवाह, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब परवाह ही नहीं है, कि इस काम की मुझे कोई परवाह नहीं है। और एक वर्ड है लिथार्जिक। इसका सेंटेंस यूजेस समझ लीजिए, विद एन एसिडियस एटीट्यूड वी विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट। अगर हमारा अगर हम एसिडियस एटीट्यूड के साथ चले तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी ही फिनिश कर सकते हैं। अगर हम परिश्रम अगर हम ये अपना एटीट्यूड बनाए कि हमको मेहनत के साथ या परिश्रमी के साथ हम काम करें, तो यह जो हम योजना परियोजना है उसको हम पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेनफुल। बेनफुल का मतलब है नष्टकारी, डिस्ट्रक्टिव। इसके सिनोनिम्स है डेडली, डिजास्ट्रस, फेटल। आपने डिजास्टर वर्ड सुना होगा, जैसे कोई हादसा हो जाता है, जैसे भूकंप आ जाना, दैट इज अ डिजास्टर। तो उसी प्रकार से डिजास्ट्रस जो डेडली है, जो नष्टकारी है, फेटल। एंड वर्ड इज मैलेफिक। अब यहां पे आप ध्यान दो, जो मैले जो है ना वो अपोजिट या फिर एक बुरा शब्द है। मैले मतलब बुरा, तो कोई चीज बुरी है, कोई चीज डेडली है, कोई चीज नष्टकारी है। मैले से और भी वर्ड्स बनते हैं, वो हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे। अब इसके एंटोनिम समझ लीजिए आप। इसके एंटोनिम्स है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल। यहां पे जो बेनी जो वर्ड है ये है अच्छे के लिए प्रयोग होता है, जैसे बेनिडिक्शन, बेनिवोलेंट। तो यह है बेनिफिशियल मतलब लाभकारी। फिर है फॉर्चुनेट, सौभाग्य हमारा। और एडवांटेजस, जिससे हमको लाभ मिलता है। तो नष्टकारी है ये बेनफुल, और एडवांटेजस है जिससे हमको फायदा मिल रहा है। अब इसका हम सेंटेंस यूजेज समझेंगे। एंट्री ऑफ वॉलमार्ट कुड हैव बेनफुल इफेक्ट ऑन स्मॉल साइज रिटेलर्स। इसमें यह कहा गया है कि वॉलमार्ट जो एक बड़ी रिटेलिंग कंपनी है, जैसे बिग बाजार है, उसके इंडिया में आने से जो छोटे दुकानदार है उन पर बेनफुल इफेक्ट होगा, क्योंकि जो कस्टमर्स है वो वॉलमार्ट पे जाएगा और उन छोटे दुकानदारों पे नहीं जाएगा, तो उनका जो है नष्ट होगा, उनके लिए ये है नष्टकारी होगा। अब मैं आपको ये बता दूं एक और बार कि इस वर्ड से स्टूडेंट्स जो है काफी गलती करते हैं, और वो गलती क्यों करते हैं। एक वर्ड होता है बेनी, जो हमने यहां पे यूज किया अभी, बेनिफिशियल, जो यूज होता है अच्छे के लिए मतलब पॉजिटिव के लिए। कई बच्चे जो है जिनको इसका मतलब नहीं पता, उस वो बेनी को बेनी में ले जाते हैं और इसका मतलब समझते हैं कि जो कोई लाभकारी चीज है, पर यह उसके अपोजिट है। तो इस वर्ड को आप जरूर ध्यान रखें। बढ़ते हैं हमारे दसवें वर्ड की ओर, एंड दैट इज डिजायर।
इस वर्ड को भी आप लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका हिंदी में मतलब होता है अजीब, विचित्र, और इंग्लिश में इसका मतलब है अनयूजुअल, जो नॉर्मल ना हो, एक अजीब सी चीज हो उसको हम बोलेंगे बिजार। इसके सिनोनिम समझ लीजिए, इसके सिनोनिम्स हो गए हमारे पिक्यूलियर, क्वांट एंड ग्रॉट, ग्रोटेस्क। इसके एंटोनिम समझ लीजिए, फैमिलियर, सेंसिबल, मतलब एक तरफ तो चल रहा है आपका अजीब चीज और एक तरफ चल रहा है आपका सेंसिबल, उसका विरोध, उसका विलोम, मतलब संवेदनाओं से भरा हुआ या जिसका मतलब निकलता है, रेगुलर और कॉमन। एक चीज तो है कॉमन और एक चीज है अजीब। इसका सेंटेंस यूजेज समझ लीजिए, वन ऑफ दोस बिजार लिटिल कोइंसिडेंस थिंग्स हैपन टू मी यस्टरडे, मतलब मेरे साथ कल एक अजीब ही जो है इत्तेफाक हुआ। तो बिजार का मतलब है कोई चीज नॉर्मल से हटकर हो, एक अजीब चीज हो। नाउ हमारा 11th वर्ड जो कि टॉप 11 का लास्ट वर्ड है, एंड दैट इज बिलीथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है खुशनुमा। हैप्पी एंड विदाउट वरी। देखिए बेफिक्र का मतलब यहां पे लापरवाह में मत ले जाइए। बिलीव जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, एक अच्छी फीलिंग वाला वर्ड है। हैप्पी आप खुश हैं और कोई चिंता की नहीं है। इसके सिनोनिम समझ लीजिए, इसके सिनोनिम्स है केयरफ्री, जॉन्टी, जॉवियल एंड स्प्रिंग ग्ली। यहां पे आप ये समझ लीजिए स्प्रिंग जो मौसम है एक अच्छा मौसम माना जाता है, तो बेलाइट से इस वर्ड को आप जोड़ सकते हैं। और एंटोनिम्स इसके है डिप्रेस्ड मतलब परेशान, लिथार्जिक, आलसी, लापरवाह एंड ट्रबल्ड मतलब परेशानी वाला। तो यहां पर है खुशनुमा और यहां पर है ट्रबल्ड। इसका सेंटेंस यूजेज आप समझ लीजिए, ही वॉज टू बिजी इन स्पोर्ट दैट ही इज ब्लाइथ अबाउट हिज फेलिंग ग्रेड्स, कि ये बंदा जो है स्पोर्ट्स में इतना व्यस्त है, इतना बिजी है कि वो अपने जो उसके ग्रेड्स जो कम हो रहे हैं, मार्क्स कम जो हो रहे हैं, उससे उसकी कोई फिक्र नहीं है, वो तो भी एक खुशनुमा है, एक खुश है।